सीजन टू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैशी बदौलत अब एडलर डॉम के पास सबसे ज्यादा कॉइन्स हैं, लेकिन फिन को अभी भी इस बात की चिंता है कि एक स्टूडेंट को मैश का सीक्रेट पता चल गया है। हालांकि उन्होंने उसे डरा धमका के चुप तो करा दिया है, पर उसे अभी भी डर है। तभी अचानक एक स्टूडेंट वहां आता है और मैश से पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। फिन अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे इसी बात का डर था। ये खबर हर जगह आग की तरह फैल चुकी है। मैश घबराने लगता है और कहता है कि वो मैजिक यूज कर सकता है। फिन तुरंत ही मैश को लेके वहां से निकलने लगता है, जिस पर वो स्टूडेंट फिन को चेतावनी देता है कि नॉन मैजिक यूजर को बचाने से वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा और उसे एकेडमी से निकाला भी जा सकता है। वो स्टूडेंट फिन को सच कबूलने के लिए कहता है, जिस पर फिन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं किसके साथ घूमता हूँ, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वो स्टूडेंट अचानक जमीन में धस जाता है जैसे ही लेंस वहां पर पहुंचता है। साथ ही लेमन और डॉट भी वहां पहुंचते हैं और डॉट काफी बुरी शेप में दिखाई दे रहा है। अब स्कूल के बाद एडलर डॉम में सेलिब्रेशन चल रही है जो कि लैंग डॉम से जीतने पर रखी गई है। फिन ये देख के घबराया हुआ है कि पार्टी में एबल और रेजर भी मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात पार्टी में डरावनी डॉल कौन लेके आता है। तभी एबल जेब से कार्ड निकालता है और वो मजे करने के पूरे मूड में है। वो बताता है कि उसका उनसे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो यहाँ रेजर के ठीक होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहा है। फिर रेजर कसम खाता है कि जो कोई भी लॉर्ड एबल को कार्ड गेम में हराने की हिम्मत करेगा वो उसके हाथों से मारा जाएगा। लेमन उसे टी ऑफर करती है और ऐसी डरावनी बातें करने के लिए मना करती है। रेजर उसे शुक्रिया कहते हुए अटकने लगता है। एबल खुलासा करता है कि रेजर का लड़कियों से बात करने में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिस पर लेमन उसके पास जाने की कोशिश करती है, जिस कारण रेजर दूर जा गिरता है। दूसरी तरफ इस पार्टी में लव भी मौजूद है। वहीं लेमन मैश को क्रीम पफ खिलाने की कोशिश कर रही है। मैश कहता है कि वो खुद से क्रीम पफ खा सकता है। तभी क्रीम पफ नीचे गिर जाता है और मैश तुरंत एक लंबी सांस अंदर खींचता है, जिससे क्रीम पफ वापस उसके मुंह के अंदर चले जाता है। अब फिन ये देख के जाग जाता है कि एबल और रेजर आपस में ही कार्ड गेम खेल रहे हैं और सबकी हरकतें देख वो अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम एक काउल को देखते हैं जो कि एक लेटर को एकेडमी में डिलीवर करने जा रहा है और रेजर मैश को पार्टी में इनवाइट करने के लिए शुक्रिया कहता है। साथ ही वो उसे चेतावनी देता है कि उसको इनोसेंट जीरो द्वारा टारगेट किया जा रहा है। वो आगे बताता है वो इस मैजिकल दुनिया का सबसे घटिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाला दल है और वो हमारी एकेडमी में उन लोगों की तलाश कर रहा है जिनके पास हाई मैजिकल पावर है। इस काम में उनकी मदद करने के बदले लॉर्ड एबल को शक्तियां मिली है। वो अपनी तीसरी लाइन आर्टिफिशियल तरीके से हासिल कर पाए हैं, मतलब इनोसेंट जीरो की शक्तियों की वजह से। रेजर चेतावनी देते हुए बताता है कि जेन्युइन तीसरी लाइन वाले और ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनोसेंट जीरो को जिस किसी की भी तलाश है उसका कनेक्शन शायद मैश से है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिन और एबल बोर्ड गेम लेने जा रहे हैं, लेकिन फिन इस बात से डरा हुआ है कि उसको ही क्यों उसके साथ चलना पड़ रहा है। अब रेजर मैश से कहता है कि लॉर्ड एबल ने इनोसेंट जीरो से शक्तियां इसलिए उधार ली ताकि वो एक ऐसी दुनिया बना पाए जहां उनकी माँ जैसे दयालु लोग शांति से रह पाए। वो मैश का शुक्रिया करता है कि उसने लॉर्ड एबल को गलत राह में चलने से रोका और उसे उम्मीद है कि वो उनके सपने को साकार कर सकता है ऐसी दुनिया बनाने में जहां सब लोग शांति से रह पाए। अब हम उसी पहले वाले स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ताक झाक करने आया है ताकि सबूत ढूंढ कर वो मैश का पर्दा फाश कर सके, लेकिन वो ये देख के चकित हो जाता है कि मैश रेजर से बात कर रहा है। तभी अचानक पीछे से एबल आ जाता है और पूछता है कि वो यहाँ रूम के बाहर क्या कर रहा है। वो स्टूडेंट बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब लेमन रेजर के पीछे से आकर पूछती है कि वो दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर रेजर फ्रीज हो जाता है और ठहराने लगता है। तभी अचानक आउल खिड़की तोड़कर मैश को लेटर डिलीवर करता है, जिसे पकड़कर वो शॉक हो जाते हैं। अब अगले दिन मैश को ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया जाता है जहां इमरजेंसी इंक्वायरी इस बात पे हो रही है उसने अपने मैजिक यूज न कर पाने की बात को छुपाया है और ये एक सीरियस क्राइम है। वॉइस डायरेक्टर ब्लेस कहता है कि गॉड ने सुंदर दुनिया को बनाया जिसमें मैजिक उसने गिफ्ट के तौर पर सिर्फ इंसानों को दिया है, लेकिन मैश जैसे लोगों का इस दुनिया में होना मैजिक के लिए खतरा है। वो कहता है कि मैश एक बग है जिसे जल्दी से जल्दी हटाना होगा। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो कि कहता है आखिर में सिर्फ सक्सेस ही मैटर करती है और उसके लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास होना जरूरी है। ग्रैंड्स को पूरा भरोसा है कि मैश के अंदर रियल मैन बनने का पोटेंशियल है। वो कहता है देखो मशरूम हेड, दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये रूल्स मेजोरिटी के लिए है तो उसे मेजोरिटी को अपनी तरफ करना होगा। अब वो नीचे एक कार्ड फेंकता है जो कि कैंडल में बदल जाता है। फिर वो कहता है कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, इसलिए उसे मैजिक से भी ज्यादा ताकतवर चमत्कार दिखाना होगा और बिना कैंडल को छुए उसे जलाना होगा। ब्लेस को लगता है ये बेतुकी बात है क्योंकि मैश के पास तो मैजिक पावर ही नहीं है, लेकिन मैश छड़ी उठा लेता है। ब्लेस सोचता है कि ग्रैंड्स ने जानबूझकर यह असंभव कार्य उसे दिया है ताकि वो हार मान ले। तभी वो ये देखकर चौंक जाता है कि मैश छड़ी को जबरदस्त तेजी से जमीन में रगड़ने लग रहा है। तभी हर तरफ आग फैल जाती है और उसकी लपटे कैंडल को जला देती है। फिर मैश समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो ऐलान करता है वो अपनी मसल पावर से पूरी मेजोरिटी को अपनी तरफ कर डालेगा। इस दौरान डिवाइन विजनरी का ग्रुप मैश के बारे में बातचीत करते हुए ये कह रहा है कि मैजिक लेस स्टूडेंट को पनिशमेंट ना देना एक बेवकूफी है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूल्स का पालन किया जाना चाहिए।
चाहिए और उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। मैं सोचता है कि अब मीटिंग खत्म हो गई है, तभी अचानक सैंड से उस पे हमला होता है और हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर डिवाइन विजनरी का ग्रुप पहुंच गया है। ब्लेस पूछता है कि वो सब यहाँ क्यों आए हैं, जिस पर डिवाइन विजनरी कहता है कि मैजिकल स्टूडेंट को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता, रूल सबके लिए एक है, इसलिए मैश को मौत की सजा दी जानी चाहिए। ये सुनकर मैश शॉक हो जाता है। वो आगे कहता है कि सारे डिवाइन विजनरी का यही सेम फैसला है। तभी अचानक ब्लेस मैश के पीछे कूद कर आता है और कहता है ये उन्हें मंजूर नहीं है, असल में इनोसेंट जीरो ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है और उसका कहना है कि मैश उनका है। वो कहता है कि वो इस बात को लेकर सीरियस हैं और सबूत के तौर पर वो बताता है कि उन्होंने इस इंसान की बॉडी में मैजिक पैरासाइट जोड़ दिया है। ये देख के ब्यूरो का कर्मचारी शॉन चौंक जाता है। अब हमें पता चलता है कि मैजिक पैरासाइट एक खतरनाक मैजिकल जीव है जो इंसानों को होश बनाकर उनका सारा माना सोख लेता है। अब ग्रैंड्स मैजिक पैरासाइट को निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शॉन उसे चेतावनी देता है कि अगर वो उसे बचाने की कोशिश करेगा तो ये पैरासाइट उसे भी अपना होस्ट बना लेगा। तभी अचानक सब ये देख के चौंक जाते हैं कि मैश उस पैरासाइट को खींच के निकाल रहा है। अब वो पैरासाइट तुरंत मैश के मुंह के अंदर घुस जाता है। शॉन उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने उसकी चेतावनी सुनी नहीं थी क्या, अगर कोई भी पैरासाइट को जबरदस्ती बाहर निकालेगा तो वो उसको अपना अगला होस्ट बना लेगा। तभी मैश उल्टी कर देता है और शॉन ये देख के चौंक जाता है कि पैरासाइट डॉग बैलून की तरह बंधा हुआ है। मैश बताता है कि उसने अपनी जीभ से पैरासाइट को चेरी स्टेम की तरह बांध दिया था। अब मैश ब्लेस को आराम से साइड में बिठा देता है और कहता है कि मैंने दुश्मन मैसेंजर को हरा दिया है और इस बूढ़े आदमी की जान बच गई है, इसलिए अब केस क्लोज होता है। अब वो जैसे ही जाने लगता है तभी ऑर्डर कहता है ये मैटर अभी सुलझा नहीं है, उसे मौत की सजा मिलेगी और वो उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। मैश अपने आप को जमीन के अंदर धंसा लेता है और कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। ये बचपना देखकर ऑर्डर अपनी छड़ी उठाता है और सैंड के साथ गायब होकर तुरंत ही उसके पीछे आ खड़ा होता है। जैसे ही वो उसे सेंट्रल से मारने ही वाला था कि ग्रैंड्स उसे ये कहकर रोक लेता है कि उसने अभी उसकी राय सुनी नहीं है। ऑर्डर कहता है कि उसकी राय मायने नहीं रखती, इस दुनिया में रूल्स ही सब कुछ है। तभी अचानक वहाँ तलवार आकर उन दोनों को अलग कर देती है और हम पाते हैं कि हेडमास्टर वॉल्बर्ग ट्रेन के साथ वहाँ आ गए हैं। ऑर्डर पूछता है कि उन्होंने डिवाइन विजनरी को क्यों बुलाया है, मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता इसलिए उसका मरना तय है। वॉल्बर्ग कहता है कि वो चाहता है कि उसकी मौत की सजा को रोक दिया जाए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इनोसेंट जीरो ने अपना मैसेंजर भेजा है और मैश हमें उस तक पहुँचाने में मदद कर सकता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट मैश पर है। डिवाइन विजनरी इस प्रस्ताव पर विचार करते हैं और मैश को हैरानी होती है कि वॉल्बर्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों लग रहा है। ग्रैंड्स खुलासा करता है कि वॉल्बर्ग इससे पहले एक डिवाइन विजनरी था और वो एक जीता जागता लेजेंडरी है जिसने अपनी जवानी के समय में इनोसेंट जीरो को कांटे की टक्कर दी थी, इसलिए सभी मेजेस में से उसका सम्मान सबसे ज्यादा है। ऑर्डर कहता है कि वो उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, नियम व्यवस्था बनाए रखने के लिए है और उन्हें किसी भी कीमत पे उनका पालन करना चाहिए। अब हर कोई ये देख के चौंक जाता है कि वॉल्बर्ग ने अपना सर झुका लिया है। वो कहता है कि ये सच है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास लोगों के दिलों को प्रभावित करने की क्षमता है और उसे पूरा भरोसा है कि मैश इस दुनिया को बदल सकता है। अभी तक मैजिक यूज न कर पाने वालों के साथ घटिया व्यवहार किया जाता है और उन्हें नीचा समझा जाता है। हमारी वैल्यू समय के साथ बदली है, हालांकि इन्हें बदलने में काफी साहस की जरूरत है और इसके लिए हमें कबूलना होगा कि हमने इनजस्टिस किया है। ऑर्डर फिर भी उसकी बात नहीं मानता और तब रेन भी अपना सर झुका लेता है और उससे विनती करता है कि वो मैश को न मारे क्योंकि उसने प्रूफ किया है कि वो भरोसे लायक है। दूसरे डिवाइन विजनरीज कहते हैं जनता मैश को कभी स्वीकार नहीं करेगी और वॉल्बर्ग को भी भावनाओं में बहकर मुश्किल फैसले नहीं लेने चाहिए। अब ब्लेस सामने आकर कहता है कि उसके विचार भी उनसे मेल खाते हैं। हमारा मैजिक गॉड के द्वारा दिया गया स्पेशल गिफ्ट है और उनके लिए नॉन मैजिक यूजर को बाहर करना स्वाभाविक है क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि आज नॉन मैजिक यूजर ने ही उसकी जान बचाई है, इसलिए वो चाहता है कि मैश की सजा को रोका जाए, भले ही रूल्स के विरुद्ध जाने पर उसे सजा ही क्यों ना मिले, वो अपना मन नहीं बदलेगा। ऑर्डर सिर्फ इन्हीं कंडीशन पे उसकी बात मानने को तैयार होता है कि मैश को उनकी देखरेख में ही काम करना होगा और उसे प्रूफ करना होगा कि वो इनोसेंट जीरो से लड़ने में पर्याप्त सक्षम है और इसके लिए उसे इस साल डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट बनना होगा। ऑर्डर चेतावनी देता है अगर वो फेल हुआ तो उसे तुरंत मारा जाएगा। मैश सभी शर्तों को मान लेता है और कहता है कि वो शांति से सबके साथ जीना चाहता है। वो जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे पूरी धरती हिलने लगती है और वो वादा करता है वो अपने फिस्ट से इनोसेंट जीरो को हराएगा। और हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का महल मैश के पंच की वजह से हिल रहा है। अब अगले सीन में मैश अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, फिर ये सोचकर डरा हुआ है कि उसे अकेले इतने खतरनाक क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ेगा। लैंस ये जानकर शॉक है कि मैश सच में मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि अपनी पिछली लड़ाई में उसे लगा था कि मैश अपनी पूरी ताकत छुपा रहा है। वहीं ये डॉट ये बात जानकर कहता है कि बाहर चलकर मजे करते हैं। अब अगले दिन शहर में हम देखते हैं कि फिन अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि सब आज किस तरह के कपड़े पहनेंगे। तभी वो देखता है कि डॉट ने नाइट आर्मर पहना है क्योंकि उसे लगता है कि मौज मस्ती करने का असली तरीका लड़ाई है। वहीं मैश अपने जिम वाले कपड़ों में एब्स
स्ट्रोलर को चलाते हुए वहाँ आ जाता है और कहता है कि आज से पहले वो कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गया, इसलिए वो कंफ्यूज था कि क्या पहना जाए। अपने दोस्तों की नमूनापंती देखकर फिन को काफी शर्म आती है, इसलिए वो उनके आसपास भी नहीं दिखना चाहता। उसी समय लेंस भी वहाँ आ जाता है और ये देखकर फिन को राहत मिलती है कि उसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, लेकिन तुरंत वो शॉक हो जाता है कि लेंस ने अंदर से अपनी बहन की फोटो वाली टी शर्ट पहन रखी है। अब वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं और डॉट उन्हें गली के एक फेमस गेम खिलाने ले जाता है जिसमें कोआला की नाक में गुदगुदी करके छींक करानी है जिससे वो डॉट में नुकीले आइस मारेगा। पहले मैं जाकर ट्राई करता है और उसकी गुदगुदी से कोआला की छींक से निकले नुकीले आइस सीधा जाकर डॉट के सर में लगते हैं। अब डॉट उसे दिखाता है कि निशाना कैसे लगाते हैं और उसके गुदगुदी करते ही नुकीली आइस मैश के सर में जा लगती है और फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। अब लेंस उन सबको छड़ी की दुकान में ले जाता है क्योंकि डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम जल्द आ रहे हैं और उसे एक नई छड़ी की जरूरत है। एग्जाम इनोसेंट जीरो के कारण जल्दी कराए जा रहे हैं और ये उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि उनके पास अभी सबसे ज्यादा कॉइन्स हैं। वो कहता है अपनी बहन के लिए वो मैश पे भी कोई नरमी नहीं दिखाने वाला। अब वो शॉप के अंदर जाते हैं जो कि बहुत सारी मैजिक छड़ियों से भरी हुई थी। शॉपकीपर उनका स्वागत करता है और फिन अपनी छड़ी बदलने का फैसला करता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी मैजिकल एनर्जी से छड़ी उड़ते हुए उसके हाथ में आ जाती है। छड़ी मैजिकल पावर के हिसाब से अपना मालिक खुद चुनती है। शॉपकीपर बताता है कि छड़ी सिर्फ एक टूल है मैजिक पावर को रिलीज करने का, ये सिर्फ उनकी बॉडी के अंदर के मैजिक को इम्प्रूव करती है। अब लेंस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक छड़ी उड़ते हुए उसके हाथ में आ जाती है। शॉपकीपर ये देख के इम्प्रेस होता है कि एक स्पेशल छड़ी उसे मिली है। अब शॉपकीपर मैश को ट्राई करने के लिए कहता है। फिन चिंता में आ जाता है कि मैजिकल पावर के बिना छड़ी रिएक्ट कैसे करेगी, लेकिन मैश ये करने का फैसला करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वो नोटिस करता है जमीन पर एक छड़ी पड़ी हुई है। शॉपकीपर खुलासा करता है कि ये छड़ी सदियों से यहाँ पड़ी हुई है, ये इतनी ज्यादा भारी है कि कोई भी उसे आज तक उठा नहीं पाया है। कहा जाता है कि इसके नीचे एल्फ वाटर बहता था जो कि कई ज्यादा शक्तिशाली छड़ी बनाने के लिए यूज होता था, पर हजारों सालों से कोई भी मसल और मैजिक इसे यहाँ से नहीं हिला पाया है। फिन और डॉट चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें ये बात मैश के सामने नहीं करनी चाहिए थी। अब मैश आगे बढ़ता है और बड़े आराम से उसे उठा लेता है और इस कारण वाटर नीचे से ऊपर निकल आता है। ये देख के शॉपकीपर के होश उड़ जाते हैं और मैश इस छड़ी को रखने का फैसला करता है। अब बाहर जाके उन्हें टॉम और लेमन मिलते हैं और वो एक साथ खूब मजे करते हैं। अब शाम होते होते सब थक जाते हैं। मैश कहता है कि उसे खूब मजा आया और आज से पहले वो कभी भी दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया था और वो एक बार फिर यहाँ आना चाहता है। अब कुछ दिनों बाद मैश अपने कॉइन्स काउंट करता है और लेंस को लगता है कि वो आने वाले एग्जाम के लिए तैयार है, पर मैश एग्जाम से पहले अपने घर जाना चाहता है और ये बात उसने रेन को भी बताई थी। इस दौरान हम ऑर्डर को देखते हैं जो कि हाउस ऑफ ऑर्गा के मैक्रॉन को ये कह रहा है कि वो मैश को एग्जाम में भाग लेने से रोके, लेकिन वो ये कह के मना कर देता है कि उसे दूसरों से मतलब नहीं है, उसे बस एक्साइटमेंट चाहिए। ऑर्डर कहता है कि उसने एबल को हराया है, वो भी बिना मैजिक के। ये सुन मैक्रॉन चौंक जाता है और पियानो बजाने लगता है। दूसरी तरफ मैश घर आ चुका है और उसे देख उसके फादर खुशी से रोने लगते हैं। तभी मैश के दोस्त भी अंदर आ जाते हैं। अब रेग्रो ये देख के खुश हो जाता है कि मैश ने कई सारे दोस्त बनाए हैं क्योंकि उसने आज तक अपने बेटे को सारी दुनिया से छुपा कर रखा था। डॉट कहता है कि ये हमारा दोस्त से भी बढ़कर है और ये मेरा राइवल है। लेमन कहती है कि ससुर जी मैं मैश की फ्यूचर वाइफ हूँ। रेग्रो ये सुन और भी ज्यादा चौंक जाता है। डॉट उन्हें हर्बल टी देता है और लेंस कहता है कि उसके पास भी उन्हें देने के लिए कुछ है और वो उन्हें अपनी सिस्टर की मर्चेंडाइज पकड़ा देता है। रेग्रो शॉक हो जाता है और मैश कहता है कि इसको अभी भी समझ नहीं है, हर किसी की अलग प्रायोरिटीज होती हैं। अब उनको घर में दौड़ता हुआ देख रेग्रो कहता है कि यह सब काफी यूनिक है और फिन को शायद उनके साथ मुश्किल होती होगी, लेकिन रेग्रो खुश है कि मैश को काफी शानदार दोस्त मिले हैं। अब इस दौरान मैक्रॉन और उसके साथी मैश की ओर बढ़ रहे हैं, तभी ऊपर से कई सारी तलवारें गिरने लगती हैं जिसे वो डॉच कर लेते हैं। मैक्रॉन कहता है कि क्या वो मैश का बॉडीगार्ड है, जिस पर रेन कहता है कि वो यहीं पास से गुजर रहा था और उसने उनकी बातें सुन ली। मैक्रॉन पहचान लेता है कि ये डिवाइन विजनरी रेन है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले 13 से 15 साल के मिडिल स्कूल डिवीजन के बीच एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें एक स्टूडेंट ने अकेले ही सब स्टूडेंट्स को हरा डाला। वो लड़का उस समय 9 साल का था जिसका नाम था मार्गरेट मैक्रॉन जो कि ऑर्का हाउस का लीडर है। अब प्रेजेंट में मैक्रॉन लड़ाई के बीच पियानो बजाने लगता है। अब कुछ समय बर्बाद करने के बाद वो रुक जाता है और कहता है पावरलेस विंटर। अब दोनों लड़ना शुरू करते हैं। रेन पार्टीशन मैजिक का यूज करता है, वही मैक्रॉन साउंड मैजिक का। दोनों मैजिक आपस में टकरा कर ब्लास्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैश और उसके दोस्त बोर्ड गेम खेल रहे हैं। डॉट डाइस फेंकता है और उसकी गोटी आगे बढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो आसानी से किसी भी सुंदर लड़की के चार्म स्पेल में फंसकर धोखा खाएगा जिस कारण उसे 5 मिलियन का लॉस होगा। डॉट अपना सर पकड़ लेता है और कहता है ये गेम बकवास है। अब लेमन अपनी बारी चलती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि अपने लवर को स्टॉक करने के लिए उसे सेल में बंद होना होगा और उसकी बारी 320 बार स्किप होती है। लेंस बताता है कि यह गेम काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। अब जैसे ही वो अपनी चाल चलता है उसमें लिखा आता है उसकी बहन अचानक अपने बॉयफ्रेंड को घर लेके आएगी और उसे अब जीरो से स्टार्ट करना है। ये देख लेंस सीधा पीछे जा गिरता
मिलता है। अब जैसे ही मैश अपनी डाइस फेंकता है, गेम बोर्ड बताता है कि सबको पता चल जाएगा वो मैजिक यूज नहीं कर सकता और उसे मौत की सजा दी जाएगी और उसका गेम ओवर हो जाता है। ये देख डॉट जोर जोर से हंसने लगता है कि उसका गेम ओवर आया है। मैश बार बार डाइस फेंकता है और हर बार की तरह सेम ही रिजल्ट आता है। अब मैश बाहर फ्रेश हवा खाने के लिए चला जाता है और उसके दोस्तों को लगता है कि वो बाहर से नॉर्मल दिखा रहा है पर अंदर से उसे ये बात खाई जा रही है। दूसरी तरफ मैक्रॉन रेन को हाउलिंग साउंड मैजिक से घेर लेता है। वो कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो अटैक नहीं करता। ये साउंड नोट्स हर बार उसके स्पेल के रिस्पॉन्स में ब्लास्ट होंगे। वो आगे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम स्टिमुलेशन क्यों चाहते हैं? आर्ट्स, लव, स्पोर्ट्स, ड्रग्स, गैम्बलिंग, इनमें से कोई भी चीज नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी हम इनके पीछे क्यों भागते हैं? इसका जवाब आसान है, बोरियत की वजह से। और उसे नहीं लगता रेन उसकी बोरियत को दूर कर सकता है, इसलिए वो रास्ते से चुपचाप हट जाए। उसे मैश से मिलने जाना है। रेन कहता है कि मैश ने उससे कहा था वो बिना मैजिक के डिवाइन विजनरी जरूर बनेगा और इस दुनिया का नजरिया बदलेगा। रेन का मूड बदल जाता है और उसके चारों ओर एनर्जी चमकने लगती है। दूसरी तरफ शॉन वॉल्बर्ग को कह रहा है कि रेन मैक्रॉन के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। वॉल्बर्ग बताता है कि दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिनके पास ट्रिपल मार्क लाइन है। दो लाइन्स का मतलब है कि मैजिक ने खुद उनका टैलेंट पहचाना है और तीन लाइन का मतलब है कि गॉड ने उनको खुद चुना है। और जिसने सबसे कम उम्र में आज तक तीन लाइन हासिल की है उसका नाम है रेन एमेस। अब रेन का तीसरा मार्क भी निकल आता है और वो कहता है कि मैं मैश को जितना हो सके उतना आगे तक लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ मैश भागते हुए जंगल के एक कोने में पहुंचता है और कहता है कि वो लोग मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। वो एक बड़ा सा स्पेशल क्रीम पफ निकालता है जिसे वो अकेले खाने आया है। तभी उसकी नजर रेन पे जाती है और वो छुपके से उनकी बातें सुनता है। मैक्रॉन टेंशन में नहीं आता क्योंकि उसे पता है हॉलिंग साउंड मैजिक उसके मंत्र उच्चारण पर रिएक्ट करके ब्लास्ट करेंगे। भले ही वो ट्रिपल लाइनर है लेकिन मैजिक यूज करने के लिए उसे मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। रेन उससे पूछता है कि उसे ऑर्डर ने ये सब करने को कहा है ना, क्योंकि वो स्कूल के मामलों में दखल नहीं देता पर फिर भी वो यहाँ पर है। वो कहता है कि इस दुनिया में मैजिक यूज ना कर पाने वालों के पास कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है, इसलिए वो हमेशा अकेला महसूस करते हैं। वो उन लोगों से जलन महसूस करते हैं जो मैजिक यूज कर पाते हैं, इसलिए उन्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होता है और वो सोसाइटी से नफरत करने लगते हैं। लेकिन मैश उन सबसे अलग है, वो अपनी डेस्टिनी से लड़ रहा है। पर इन बातों की मैक्रॉन को कोई परवाह नहीं है। वो साउंड ऑर्केस्ट्रा मैजिक का यूज कर रेन पे हमला करता है ताकि वो मंत्र का उच्चारण करने पर मजबूर हो जाए। उधर वॉल्बर्ग शॉन को बताता है कि ट्रिपल लाइनर वॉन डॉर्मेंट की ट्रू फॉर्म को जगा सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए वो अपनी जादुई छड़ी में गॉड की ताकत को ला सकते हैं। अब रेन मैक्रॉन के मैजिक को पूरी तरह निरस्त कर देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो समन एरिस शब्द बोल अपनी जादुई छड़ी की असली फॉर्म जागृत करता है जिससे उसकी छड़ी की शेप बदल जाती है। फिर वो ब्लैक पार्टीशन स्पेल से उस पर भयानक हमला कर डालता है जिसे मैक्रॉन रोक नहीं पाता और हार जाता है। अब मैश सामने आके उसका शुक्रिया करता है जिस पर रेन कहता है कि सिलेक्शन एग्जाम जल्द आने वाले हैं। वो मनोबल बढ़ाने के मामले में काफी बुरा है लेकिन वो बस एक बात कहना चाहता है, उसके फेलियर से कुछ अच्छा आउटकम नहीं आएगा इसलिए उसे किसी भी हालत में जीत कर आना होगा। दूसरी तरफ मैक्रॉन उस हमले से किसी तरह बच गया लेकिन अगर वो चाहता तो अपना सेकंड स्पेल यूज कर सकता था पर अपने साथियों को बचाना उसकी पहली प्रायोरिटी थी और उसने अभी भी अपने खास स्पेल यूज नहीं करे हैं। अब एकेडमी में मैश शॉट और फिन को अपने जीते हुए कॉइंस बांट देता है ताकि वो सिलेक्शन एग्जाम में अपना बेस्ट दे सके। पर फिन रोने लगता है कि वो अकेले ये नहीं कर सकता। वही लैंस अपने बहन के लॉकेट को देख ये कहता है कि वो सब खत्म कर जल्द उससे मिलेगा। और वही डॉट भी पूरी रात सो नहीं पा रहा। अब रेग्रो मैश से कहता है कि उसे उसके दोस्त से पता चला कि एकेडमी में सबको पता चल गया है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता और अगर वो उनकी डिमांड पूरी नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। रेग्रो माफी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, काश वो उसे एक नॉर्मल लाइफ दे पाता। पर मैश कहता है कि वो खुश है कि आप हमेशा मेरी देखभाल करने के लिए मौजूद थे। उसे स्कूल जाने का मौका मिला जहाँ उसे इतने अच्छे दोस्त मिल पाए, साथ ही वो बहुत सारे क्रीम पफ भी खा पाया और इसलिए वो अपने फादर का शुक्रिया करता है। अब अगले सीन में बताया जाता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए तीन पड़ावों को पार करना पड़ता है। पहला कॉइन्स को इकट्ठा करना, दूसरा डिवाइन विजनरी सिलेक्शन एग्जाम में पास होना और तीसरा डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम। सेकंड स्टेज में पहुंचने के लिए 5 से ज्यादा कॉइन की जरूरत होती है लेकिन इनोसेंट जीरो की वजह से ये एग्जाम जल्द करवाए जा रहे हैं इसलिए क्वालिफाई करने के लिए अब 3 कॉइन्स की जरूरत है। वहीं वॉल्बर्ग ये देख के चिंतित हो जाता है। इस एग्जाम में मैक्रॉन भी हिस्सा ले रहा है जो कि मैश के लिए मुश्किल और बढ़ाएगा। अब मैश एरिना की तरफ बढ़ने लगता है पर ऑर्डर उसका रास्ता रोक देता है और कहता है कि उसके अस्तित्व को दुनिया कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैश अपनी हर मसल को फ्लेक्स करता है जो कि उससे कहती है कि ये सब सच नहीं है, उसे हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए। मैश केविन, टॉम और माइक और हर मसल का नाम लेते हुए उनको शुक्रिया करते हुए कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा। अब वो वहां से चला जाता है और जैसे ही वो एरिना में एंटर करता है सारी जनता उसको पहचान लेती है कि ये वही स्टूडेंट है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। सब चिल्लाने लगते हैं कि वो यहाँ डिजर्व नहीं करता, उसे घर वापस लौट जाना चाहिए। एक स्टूडेंट ये देख कहता है कि ये लड़का डिवाइन विजनरी की शान को मिट्टी में मिला देगा, इसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। फिर ये देखकर मैश का मनोबल बढ़ाने जाता है।
है, पर मैश कहता है कि उसे घर जाना है। अब होस्ट बताती है कि ये एक सर्वाइवल गेम है जहाँ उन्हें एक चाबी ढूंढनी है जो कि एक बैलून में है जिसे उन्हें मैजिक से फोड़ना है। फिन को लगता है कि ये काफी आसान है। होस्ट आगे बताती है इस दौरान उन्हें 3 डेडरवेंट से भी बचना है, और ये सुनकर फिन डर के मारे चिल्लाने लगता है कि उन्हें मॉन्स्टर्स का मुकाबला करना होगा। होस्ट बताती है कि ये मुकाबला सारी जनता को मिरर के जरिए दिखाया जाएगा और यहाँ किसी भी तरह की चीटिंग अलाउड नहीं है। अब मैच शुरू होता है और एक मैजिकल डोर प्रकट होता है जहाँ स्टूडेंट्स दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अब एक कंटेस्टेंट अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो चाबी हासिल करना चाहता है। अचानक एक डेडरवेंट उसके सामने आ जाता है, और जब वो उसके खिलाफ मैजिक इस्तेमाल करता है तो पता चलता है कि डेडरवेंट्स मैजिक के प्रति इम्यून है। अब होस्ट चेतावनी देती है अगर डेडरवेंट्स की कुल्हाड़ी ने उन्हें टच करा तो उनकी सोल दर्दनाक दर्द को सहते हुए इस गेम से बाहर पहुंच जाएगी। अब वो कंटेस्टेंट गेम से बाहर आ जाता है और होस्ट ऑडियंस को बताती है सिर्फ 11 कैंडिडेट्स बचे हैं। अब एक ऑडियंस का मेंबर कहता है इस साल के कंटेस्टेंट पिछले साल के कंटेस्टेंट के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तभी सारी ऑडियंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो देखते हैं कि मैश ने एक ही मुक्के में डेडरवेंट्स को घुटनों के बल ला दिया है। अब मैश जैसे ही चाबी ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है अचानक डेडरवेंट फिर से उठ जाता है, और होस्ट ऑडियंस को समझाती है कि डेडरवेंट्स की हीलिंग क्षमता काफी तेज होती है। मैश तुरंत वहां से भागने का फैसला करता है और डेडरवेंट भी उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैश का साइज छोटा हो गया है जिस कारण वो डेडरवेंट से बच जाता है। एक और कंटेस्टेंट मैश के सामने आता है ये बताते हुए कि उसने ये स्पेल किया है। डेडरवेंट की आई साइट कमजोर होती है लेकिन उनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। अब वो अपने मैजिक से दोनों की बॉडीज को नॉर्मल साइज में वापस ला जाता है और मैश मदद के लिए उसका शुक्रिया करता है, जिस पर वो स्टूडेंट मिलकर एग्जाम पास करने के लिए उसे टीम बनाने के लिए कहता है। मैश इस ऑफर से सरप्राइज हो जाता है। अब वो स्टूडेंट आइडिया देता है कि चाबी को ढूंढने के लिए उन्हें डेडरवेंट का पीछा करना होगा। दूसरी तरफ फिन डर के मारे छुपा हुआ है, वही डॉट चाबी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है और जोर से चिल्लाता है जिस कारण वो मॉन्स्टर उसे ढूंढ लेता है और डॉट के पीछे पड़ जाता है। वही मैश और वो स्टूडेंट बिना आवाज के चुपचाप डेडरवेंट का पीछा करते हैं, लेकिन मैश अचानक नीचे पड़े छोटे पत्थर से टकराता है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है वो तुरंत ही माइकल जैक्सन का मूव करते हुए अपना बैलेंस संभाल लेता है। अब उनकी नजर बड़े बैलून पे जाती है और वो स्टूडेंट कहता है कि चाबी इसी के अंदर है। मैश उस बैलून को फोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो स्टूडेंट उसको रोकता है, पर तब तक मैश उसे छू लेता है और जोर से एक हॉर्न बजता है जिससे डेडरवेंट जल्दी से उनको मारने के लिए फिर पीछे पड़ जाता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो स्टूडेंट लंबी सांस लेता है और मैश की बेवकूफी पर उसे डांट लगाता है। अब वो स्टूडेंट सोचता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैश सुझाव देता है कि गुब्बारा फाड़ देना चाहिए, और वो वापस वहां जाते हैं। जैसे ही मैश बैलून को फोड़ने के लिए उस पर चढ़ता है फिर से हॉर्न बज जाता है और वो मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन वो दोबारा बज जाते हैं। अब वो स्टूडेंट सोचता है कि अगर वो इन्फ्लेटर को तोड़ दें तो चाबी गिर जाएगी। अब दोनों इन्फ्लेटर को तोड़ते हैं लेकिन ये प्लान भी बेकार साबित होता है। अब उस स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि कौन से मैजिक का यूज करके वो बैलून के अंदर फ्लोट कर रही चाबी को निकाल सकते हैं। मैश को तभी एक आइडिया आता है। अब जैसे ही डेडरवेंट वहां से जाता है वो स्टूडेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है और गुब्बारे को बड़ा कर देता है। ये देखकर जनता हैरान होती है, लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया है, आखिर ये करना क्या चाह रहा है। होस्ट उन्हें बताती है कि गुब्बारे को अंदर से छूना भी एक आवाज उत्पन्न करता है, इसलिए वो उसके अंदर भी नहीं जा सकते। पर तभी सब ये देख के जाग जाते हैं कि मैश अपने जिम के कपड़े में आ चुका है और अजीब हरकत कर रहा है। फिर मैश को ब्रेक डांस करते देख वहां लोगों के चेहरे के होश उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैश तेजी से घूम रहा है ताकि एक मजबूत हवा का प्रेशर उत्पन्न कर गुब्बारे को छुए बिना उसे बड़ा कर सके। गुब्बारा तेजी से बड़ा होने लगता है और आखिर में फट जाता है। ये देख सब मैश को जीता जागता वेपन कहते हैं। अब चाबी मिलते ही मॉन्स्टर फिर से उनके पीछे भागता है। इस दौरान लेंस भी अपने ग्रेविवल मैजिक से चाबी हासिल कर लेता है। बाकी सारे स्टूडेंट भी अपनी चाबी हासिल कर लेते हैं सिवाय फिन को छोड़कर, जो अभी भी डर के मारे दीवार के पीछे छुपा है। डॉट उसे शांत कराता है और उसे बताता है कि उसने चाबी हासिल कर ली है। डॉट कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर फिर फिन बताता है उसके सर से बेहद खून बह रहा है, पर डॉट फिर भी उसकी मदद करने के लिए पूरे जोश में है। अब मैश सेनपाई को ये कहते हुए चाबी दे देता है कि उनकी बदौलत उन्हें ये चाबी मिली है। सेनपाई कहता है कि वो दिल का काफी अच्छा है इसलिए ये चाबी उसे रखनी चाहिए। उसने रेन से उसके बारे में सुना था पर उसे पता नहीं था कि वो इतना दयालु भी है। उसने चाबी हासिल करने का तरीका समझ लिया है इसलिए वो बाकी का संभाल लेगा। फिर सेनपाई कहता है कि वो बहुत टफ बनने की कोशिश कर रहा है और उसके गर्व की भावना कह रही है कि उसे मैश जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मैश उसका शुक्रिया करते हुए वहां से निकल जाता है। अभी एक और व्यक्ति सेनपाई के पास आता है और उसकी आंख पर वार करता है जिससे उसका खून बहने लगता है। अब पता चलता है कि ये व्यक्ति कॉर्कड्रॉम का कार्पेचियोलियो यांग है और सेनपाई को अब इसका मुकाबला करना है। दूसरी तरफ एरिना में कई सारे स्टूडेंट अपनी चाबी लेकर पहुंच चुके हैं। अब मैश भी वहां एंटर करता है और देखता है कि डॉट फिन को अपने कंधे पर लेकर आया है। मैश कहता है कि उसे अपनी चोट को पहले ठीक करना चाहिए। डॉट जवाब देता है कि उसे फिन के लिए चाबी हासिल की थी, और फिर दोनों नीचे बैठ जाते हैं। अब लेंस मैश से बात करने लगता है और वो ये जानकर आश्चर्यचकित है कि मैश ने मैजिक का इस्तेमाल किए बिना गुब्बारे को फोड़ दिया। मैश कहता है कि ये सब सेनपाई की मदद की वजह से हो पाया, पर उसे अभी
अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने उसकी मदद क्यों करी और उसे चाबी क्यों दी। अब होस्ट अनाउंस करती है कि सिर्फ 9 लोग ही अगले स्टेज में जा सकते हैं। तभी सेनपाई खून से लथपथ एरिना में प्रवेश करता है और सीधा नीचे गिर जाता है। फिर सबकी नजर कारपैचियो पे जाती है जो कि उसके पीछे है। किसी को नहीं पता सेनपाई के साथ क्या हुआ है। कारपैचियो सेनपाई के सर को कुचलने लगता है और कहता है कि यहाँ कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है, ये बंदा यूजलेस है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता मैं इसके साथ क्या करता हूँ। मैश उसके पास जाता है और कारपैचियो से सवाल करता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसने इसके आगे और कुछ किया तो वो उसे पंच मारेगा। लेकिन कारपैचियो कहता है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। फिन सोचता है कि कारपैचियो इस साल के बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक है जो लेंस की तरह एक एलीट है। अब एक लड़की आकर कारपैचियो को वेलकम ड्रिंक देती है जिसे उठाकर वो मैश के चेहरे पर फेंकता है और कहता है कि कमजोर लोगों को चुप रहना चाहिए। पर मैश तुरंत ही उस पानी को प्रोटीन के साथ शेकर में डालकर हिलाने लगता है और उसे पीकर कारपैचियो से माफी मांगता है कि 3 बजे उसका स्पेशल मसल प्रोटीन ड्रिंक पीने का समय होता है। ये देखकर वहां सभी के होश उड़ जाते हैं। अब मैश कारपैचियो से फिर माफी मांगता है ये कहते हुए कि टाइम से प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है और तुम वैसे भी लोगों को कमजोर बुलाते हो, पर मुझे अभी तक मेरे जितना ताकतवर कोई नहीं मिला है। और वैसे भी सबके लिए ताकतवर की परिभाषा अलग है और इस टॉपिक के बारे में बात करने पर मैश खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। कारपैचियो ये सब सुन भड़क जाता है और मैश के करीब आ जाता है, लेकिन होस्ट उनकी लड़ाई को रुकवा देती है ये कहकर कि वो अपनी लड़ाई अगले एग्जाम के लिए बचा कर रखें। अब होस्ट अगले एग्जाम का परिचय देती है और 3 क्रिस्टल प्रकट होते हैं। हर टीम को क्रिस्टल के रंग के अनुसार 3 मेंबर्स में बांटा जाता है। हर मेंबर को एक एक क्रिस्टल मिलेगा जिसे अपोजिट टीम को तोड़ना है और जिस टीम के क्रिस्टल पहले टूट जाएंगे वो टीम हार जाएगी। मैश इतनी सारी जानकारी को झेल नहीं पाता और उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। डॉट चिल्लाते हुए होस्ट को कहता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स जानकारी को वो समझ नहीं सकता। अब होस्ट आसान शब्दों में कहती है उन्हें दूसरी टीम के क्रिस्टल्स को तोड़ना है। फिर इस बात से चिंता में आ जाता है कि इस बार लेंस दूसरी टीम में है। अब सबके हाथ में एक क्रिस्टल आने लगता है और होस्ट बताती है कि ये क्रिस्टल काफी नाजुक है इसलिए उन्हें संभाल कर इसे पकड़ना होगा। अब फिन के हाथ में क्रिस्टल आते ही वो सोचता है कि सबके पास एक एक क्रिस्टल है, अगर उसका क्रिस्टल टूट भी जाए तो उसके साथियों के तो सेफ ही रहेंगे। तभी अचानक कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और फिन देखता है कि मैश का क्रिस्टल उसके हाथ से फिसल कर टूट गया है। वो अपने आप को संभालता है और सोचता है कि चलो डॉट का क्रिस्टल सेफ है। अचानक फिर टूटने की आवाज आती है और डॉट का क्रिस्टल भी उसके हाथ से फिसल कर टूट जाता है। अब फिन अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि अगर उसका क्रिस्टल टूट गया तो उनका गेम ओवर हो जाएगा। अब डॉट कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारे क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर फिन को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। अब होस्ट अनाउंस करती है कि गेम शुरू होता है और सबको दूसरे राउंड के लिए नई जगह भेज दिया जाता है। अब सारे मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिन बुरी तरह स्ट्रेस में आ जाता है और सोचता है कि जब ये टीम मैच है तो उन्हें जबरदस्ती अपनी टीम से अलग क्यों करा गया। वो अपना सर पकड़ लेता है और बुरी तरह रोने लग जाता है।